चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे समसामयिक की घटनाचक्र वार्षिकांक जो दृष्टि दृष्टि निकालता है ना, यूपीपीसीएस देखते हैं आप लोग, फिर चाहे एमपीपीएससी, बिहार पीसीएस, फिर चाहे यूपीएससी हो, इन सभी एग्जामों के करंट अफेयर्स के लिए ये बुक्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यूपीपीसीएस के लिए तो मुझे लगता है कि आप अगर देते हैं पेपर तो आप जानते हैं कि इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। और मैं इसीलिए हमेशा बोलता रहता हूँ आप लोगों से, 4 से 5 साल के क्वेश्चंस पेपर उठा लिया करिएगा जब भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, कुछ ऐसे पॉइंट या आधार होते हैं जो आप एग्जाम तैयारी करते समय आपको याद रखना चाहिए, कुछ खास बातें कह लीजिए। सिलेबस होना चाहिए, 4 से 5 साल के क्वेश्चंस पेपर आपके सामने होना चाहिए टेबल पर, ठीक है। तो इससे क्या रहता है कि हमें मालूम चल जाता है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इसमें हम लोग याद रखिए, आपका राष्ट्रीय परिदृश्य पूरा खत्म कर चुके हैं, विधिक परिदृश्य भी कवर कर चुके हैं, अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में आपका जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है, रिलेशन है इंटरनेशनल, उन्हें भी हम लोग कवर कर चुके हैं, और अंतरराष्ट्रीय विकिरण में हम लोग बात कर रहे थे। तो याद रखिए, इसकी जितनी भी क्लासें होंगी आपकी समसामयिक घटनाचक्र वार्षिकांक के नाम से जो प्ले लिस्ट सूची है उसी में डाल दी जाएंगी। और लास्ट में क्या करूंगा कि पूरी क्लासों को मर्ज करके एक क्लास बना दी जाएगी, तो तब तक आपको इंतजार करना होगा। तो लास्ट क्लास में हम लोग बात कर चुके थे चीन पर अंतर संसदीय गठबंधन के बारे में। अब हम बात करते हैं पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 के बारे में, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020। एक बात और आपको बता दूं, जो इतने जो भी सूचकांक हैं, जिस रैंकिंग निकलती हैं, जो भी रिपोर्टें निकलती हैं आपकी, और जो संस्थान निकालती है, इन सब के बारे में बड़े ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि आप लोग क्वेश्चंस पेपर में देखते हैं कि इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 की बात करें तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक ईपीआई एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बन सकता है कि एक वार्षिक रिपोर्ट है या 2 वार्षिक, तो 2 वर्ष में एक बार निकाली जाती है। जैसे एल विश्वविद्यालय और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से निर्मित किया जाता है। एल विश्वविद्यालय कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से निर्मित किया जाता है, इसे भी याद रखिए। ईपीआई में उच्च प्राथमिकता वाले पर्यावरणीय मुद्दों पर प्रदर्शन के आधार पर विभिन्न देशों को रैंकिंग प्रदान की जाती है। इस सूचकांक का प्रथम संस्करण वर्ष 2006 में प्रकाशित किया गया था। तो पहली बार ये कब शुरू की गई थी, प्रथम संस्करण इसका 2006 में, समझ रहे। अब आपसे क्वेश्चन कई तरह के पूछे जा सकते हैं, मैं ये नहीं बता सकता हूं कि क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाएगा, लेकिन आप देखेंगे यही, आप इस पैराग्राफ को, छोटा सा पैराग्राफ देखा, इसमें मुझे लगता है कि 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सिविल सर्विस में आपका पूछ लेगा कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीति आपको 3-4 कथन दे देगा और कह देगा कि द्विवार्षिक रिपोर्ट है या 1 वार्षिक रिपोर्ट है, एक कौन जारी करता है, कौन इसे निर्मित करता है, और प्रथम संस्करण इसका कब जारी किया गया था। तो याद रखना है आपको, प्रथम संस्करण 2006 में 4 जून 2020 को पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 जारी किया गया है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में विश्व के 180 देशों को शामिल किया गया है, 180 देशों को शामिल किया गया है। 11 श्रेणियों में विभाजित 32 संकेतकों का उपयोग कर पर्यावरणीय स्वास्थ्य के आधार पर रैंक प्रदान की गई है। तो वर्ष 2020 में डेनमार्क 82.5 स्कोर के साथ पहले नंबर यानी कि टॉप पर शीर्ष पर रहा है। इस वर्ष लाइबेरिया 22.6 स्कोर के साथ अंतिम पायदान पर है। तो इसमें याद रखिए, 180 देशों ने भाग लिया है, 11 श्रेणियों में विभाजित किया गया है और 32 संकेतकों का उपयोग किया गया है इसे बनाने के लिए। डेनमार्क आपका शीर्ष पर रहा है और लाइबेरिया आपका नीचे से अंतिम है, ठीक है, अंतिम मतलब नीचे से टॉप पर है। रैंकिंग में 5 सीख मतलब टॉप देशों की बात करें तो डेनमार्क, ये स्कोर आप देख सकते हैं, स्कोर कम ही पूछा जाता है, फिर भी पहले का स्कोर याद रखा करिए जो नंबर 1 पे हुआ करे। डेनमार्क को आपका 82.5, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, ये 5 टॉप हैं, ठीक है। रैंकिंग में अंतिम पायदान पर शामिल 5 देशों की बात करें तो इसमें लाइबेरिया 180, म्यांमार 179, अफगानिस्तान 178, सियेरा लियोन 177, आइवरी कोस्ट 176। तो 180 पर आपका लाइबेरिया है। अब बात करते हैं भारत के बारे में, तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत को 180 देशों में 168वां स्थान मिला हुआ है। हमारी स्थिति भी कोई आपकी अच्छी नहीं है हमारी, समझ रहे हैं आप लोग, 168वां स्थान मिला हुआ है। और याद रखिए, स्कोर
कितना है हमारा, 27.6 स्कोर है, क्योंकि भारत के बारे में स्कोर भी पूछ लेता है कई एग्जामों, तो 168वां स्थान मिला है और स्कोर कितना मिला है, 27.6। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 में सूचकांक में भारत को 177वां स्थान मिला था। तो काफी आप सब कहिए कि 2018 से हमारी स्थिति सुधरी है। 2018 में हम जहां 177वें नंबर पे थे, अभी हम लोग 168वें नंबर पर हैं। ठीक है, ब्रिक्स देशों का ईपीएम में प्रदर्शन की बात करें, हमारे ब्रिक्स एक संगठन है ना, उसी की बात कर रहा हूं। ब्राजील आपको 55वीं रैंक, रूस 58 रैंक, दक्षिण अफ्रीका 95 रैंक, चीन 120वीं, भारत 168वीं। यानी कि कहने का मतलब आप समझ रहे हैं कि भारत की हमारी स्थिति ब्रिक्स देशों के सम्मेलन सूची में भी हमारी स्थिति खराब है। आपका जो ब्राजील ब्राजील है, इसमें 55वां नंबर मिला है, रूस को 58, दक्षिण अफ्रीका को आप समझ रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका 95, चीन 120, भारत 168। इस सूचकांक में अन्य प्रमुख देशों में स्विट्जरलैंड को तीसरा, स्वीडन को 8वां, जर्मनी को 10वां, जापान को 12वां और संयुक्त राज्य अमेरिका को 24वां स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए, एक सामान्य नजर डाल लिया करिएगा सभी पर, वैसे तो अगर पूछता है तो थोड़ा बहुत याद तो रहना चाहिए, और भारत के बारे में और टॉप पर जो देश हो और अंतिम में जो देश हो उनके बारे में जरूर याद रखा करिएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 की बात करूं अगर हम लोग, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स RSF फ्रांस स्थित एक स्वयंसेवी संस्था है। वर्ष 2002 से RSF द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक विकसित किया जा रहा है। यह सूचकांक 180 देशों के में किए गए सर्वेक्षण के आधार पर जारी किया जाता है। याद रहे कि यह सूचकांक पत्रकारिता की गुणवत्ता को नहीं, बल्कि प्रेस एवं पत्रकारों को प्राप्त सुरक्षा के स्तर और समाचारों की निर्बाध पहुंच का सर्वेक्षण करता है, यानी कि पत्रकारों को कितनी स्वतंत्रता मिली हुई है इसकी बात कर रहा हूं। तो कौन जारी करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स RSF, कब से, 2002 से है, इसमें शुरू है 2000 से, दो से। और इसमें कितने देशों ने भाग लिया गया, इसमें किया गया सर्वेक्षण 180, 180 देशों ने। ठीक है, 21 अप्रैल 2020 को एक स्वयंसेवी संस्था NGO रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 प्रकाशित प्रकाशित किया गया है। इसमें अगर हम लोग 10 प्रमुख देशों की रैंकिंग की बात करें, तो नॉर्वे सबसे अच्छी स्थिति है, फिनलैंड दूसरे, डेनमार्क तीसरे, स्वीडन स्वीडन आपका चौथे, नीदरलैंड्स पांचवे, फ्रांस की बात करें तो ये आपका देखने को मिलेगा आपको, फ्रांस कितने पर, 34, यूनाइटेड किंगडम 35 और संयुक्त राज्य अमेरिका 45, भारत की बात करें 142 और चीन 177। चीन में आप जानते हैं कि पत्रकारों पत्रकारिता पर कोई खुली हुई नहीं है, वहां आप देखिए कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। हमारे यहाँ के पत्रकारों को काफी छूट मिली हुई है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ के पत्रकारों की स्थिति आप देख सकते हैं कि 142वां स्थान मिला है, यानी कि हमारे यहाँ भी पत्रकारिता मीडिया को कुछ ज्यादा छूट नहीं मिली हुई है। नॉर्वे में देख सकते हैं आप लोग, तभी तो आप देख रहे हैं कि नॉर्वे की मीडिया भी अपना काम कर रही है, इसलिए आप देख रहे हैं टॉप पर है, एक नंबर पर आपका नॉर्वे है। इसमें कितने देशों ने भाग लिया, 180 ने, और भारत की स्थिति क्या है, 142वीं, और अगर आपसे पूछे कि चीन की तो 177वीं। ठीक है, इसमें याद रखना नॉर्वे चौथे वर्ष इस सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है इसने, और वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में मलेशिया वर्ष 2019 में 123वीं रैंकिंग थी, जबकि 2020 में 101वीं रैंक है, काफी उछाल ली है मलेशिया ने, कि रैंक में सर्वाधिक 22 स्थानों के सुधार देखने को मिला है मलेशिया में। ठीक है, जबकि हैती 2019 में 62वें स्थान पर था, जबकि 2020 में 83वें स्थान पर, यानी कि ये ऊपर से नीचे गिरा है। इसमें 21 स्थानों की गिरावट दर्ज की गई है, और याद रहे कि 2018 की WPFI रैंकिंग में भारत का स्थान 138वां था और 2019 में 140वां था। 18 का भी कई बार आप देखते हैं कि पुराने आंकड़े भी पूछ लेता है, तो 2018 में 138, 2019 में 140 और 2020 में 142। ठीक है, देखिए क्या होता है कि पूछता रहता है, इसलिए बोलता रहा हूं। अंतिम 5 देशों की रैंकिंग की बात करें, तो उत्तर कोरिया के बारे में आप जानते हैं, सबसे बुरी स्थिति है यहाँ मीडिया की, तानाशाही चलती है, तो 180वां स्थान मिला है उत्तर कोरिया को, 179वां स्थान मिला है तुर्कमेनिस्तान को, 178वां देश 178वां
नंबर मिला है इरिटिया को, और 177वां चीन और 176वां जिबूती। तो सबसे अच्छे याद रखिए पहले नॉर्वे और लास्ट में आप देखेंगे किसका है, उत्तर कोरिया का। ठीक है, अगर हम ब्रिक्स देशों की रैंकिंग में बात करें तो 149वां रूस, 177 चीन आपका, 142 भारत, 31 दक्षिण अफ्रीका, 107 ब्राजील का है। ठीक है, 31 देखिए आप लोग, दक्षिण अफ्रीका की स्थिति हम लोगों से बेहतर है। ठीक है, फिर आप देखेंगे मिति उदंड पर एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट जारी की गई है। एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा वित्तीय वर्ष जिस समय मिति दंड से संबंधित आंकड़ों का प्रकाशन किया जाता है या हर साल जारी की जाती है। 1977 में जब इस संगठन ने मृत्यु दंड को समाप्त करने की दिशा में प्रयास प्रारंभ किए थे, तब मात्र 16 देशों ने ही सभी अपराधों हेतु मौत की सजा को पूर्णतः समाप्त किया था। आज ये संख्या बढ़कर 106 हो गई है। एक तरह से आप कहिए कि कोई भी जुर्म करता है यहां मौत की सजा नहीं दी जाएगी, 106 हो चुकी है, शुरू में 16 थी। जनवरी दिसंबर 2019 की अवधि के दौरान मृत्यु दंड के न्यायिक प्रयोग पर आधारित इन एमनेस्टी इंटरनेशनल की नवीनतम रिपोर्ट 21 अप्रैल 2020 को जारी की गई है, और वर्ष 2019 में न्यू हैम्पशायर ऐसा 21वां अमेरिकी राज्य बन गया है जिसने सभी अपराधों हेतु मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है। और याद रखिए आपका क्या सोचना है इस पर, मुझे लगता है कि देखिए कोई भी अपराध करता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आपने फांसी दे दी, डेथ दे दी यानी कि मौत दे दी, कुछ समय का टाइम काम रहता है, खत्म हो जाता है। कम से कम उससे ऐसी सजा दीजिए कि कम से कम हर उसे देखकर दूसरा जो अपराध करने की सोचता है उसे भी, मतलब एक तरह से आप सोचिए कांपे। तो मौत बड़ी आसान होती है, कहते हैं ना कि जिंदगी बहुत जीना बहुत कठिन होती है, मौत को गले लगाना बड़ा आसान होता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार वर्ष 2018 की तरह वर्ष 2019 में 20 देशों द्वारा मृत्युदंड की सजा क्रियान्वित की गई है। वर्ष 2019 के अंत तक कुल 106 देशों ने कानून के माध्यम से सभी अपराधों हेतु मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है, कितने, 106 ने, जबकि अब कुल 142 देश कानून अथवा व्यवहार में मृत्युदंड को समाप्त कर चुके हैं। जहां वर्ष 2018 में 690 से अधिक लोगों पर मृत्युदंड का क्रियान्वयन किया गया, वहीं 2019 में यह संख्या 657 प्लस थी, कितनी, 657, ये 2019 में 690 थी। ठीक है, याद रहे कि इन आंकड़ों में चीन के आंकड़े शामिल नहीं है जहां प्रतिवर्ष हजारों व्यक्तियों को मृत्युदंड दिया जाता है, परंतु आधिकारिक रूप से इनकी संख्या गुप्त रखी जाती है। याद रखिए चीन में क्या है कि कोई भी आवाज उठाता है तो हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। अभी कोरोना महामारी में आपने देखा है कि कोई वहां के क्लियर आंकड़े नहीं है कि इससे कितने लोगों की जान गई हुई है। अभी आपने सुना होगा कि 2 करोड़ के करीब सेमेबंद बताई जा रही है, तो हो सकता है कितने लोगों की मौत हुई हो। अभी आपने देखा है कि हमारे बॉर्डर पर आपने झड़प हुई थी लद्दाख के पास, इसमें हमारे 20 सैनिक शहीद हुए। ये आप सभी दुनिया को पता है कि 20 भारत के सैनिक शहीद हुए, लेकिन चाइना की तरफ से कितने सैनिक मारे गए इसका कोई आंकड़ा उन्होंने जारी नहीं किया। ठीक है, तो वो गुप्त रखते हैं एक तरह से। फिर भी 2019 में सर्वाधिक निष्पादित मृत्युदंड की संख्या चीन में मानी गई है। वर्ष 2019 में सर्वाधिक 251 मृत्युदंड ईरान में क्रियान्वित किया गया। ठीक है, यानी कि आंकड़ों की अगर हम बात करें जो बताए गए हैं जो सबके सामने उजागर हैं, तो इसमें ईरान है। ठीक है, इसके पश्चात सऊदी अरब की बात करें तो 184, इराक में आपके 100 और मिस्र में 32 हुए हैं। ठीक है, वर्ष 2019 में संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल 22 मृत्युदंड की ईरान भी किए गए हैं। ठीक है, 2019 में मृत्युदंड की सजा सुनने की दृष्टि से शीर्ष 5 देश चीन को छोड़कर, पाकिस्तान 632 लोगों को, मिस्र 435 लोगों को, बांग्लादेश 220 लोगों को, भारत भी पीछे नहीं है, भारत चौथे नंबर पर 102 लोगों को सजा सुनाई गई मृत्यु दंड की। ठीक है, यानी कि डेथ पेनल्टी। जाम्बिया की बात करें तो 101 पांचवें नंबर पर। भारत के बारे में थोड़ा याद रखिए कि 2019 में 102 कितना 102 लोगों को सजा मौत की सजा सुनाई गई थी। ठीक है, चौथे नंबर पर भारत, पहले नंबर पर आप पाकिस्तान देख रहे हैं। सऊदी अरब अल्पसंख्यकों हेतु मृत्युदंड की समाप्ति, अप्रैल 2020 में सऊदी अरब के शाही परिवार द्वारा देश के कानूनों में सुधार करते हुए अल्प वयस्क अपराध के समय 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति हेतु मृत्युदंड की सजा को समाप्त करने की घोषणा की गई। यानी कि कोई अपराध करता है उसकी उम्र 18 से कम रहती है वर्ष से, तो उसे मृत्युदंड देने की सजा नहीं है। ठीक है, इसे समाप्त कर दिया गया। मृत्युदंड की सजा के स्थान पर अब अल्प वयस्क
अपराधियों हेतु अधिकतम 10 वर्ष की कैद का प्रावधान भी किया गया है। 18 वर्ष से कम आयु के लोगों द्वारा किए गए अपराधों के लिए मृत्युदंड बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभी समय के विरुद्ध है, जिसे सऊदी अरब ने मंजूरी दी है। और वैसे भी आप समझिए कि अगर छोटी उम्र में कोई भी इस तरह का अपराध कर देता है तो उसे सुधार के मुझे लगता है कि मौका देना चाहिए। हो सकता है कि ठीक है नहीं सुधर रहा है वो, तो और सजा भी दे सकते हैं, लेकिन डेथ मुझे लगता है कि हर समस्या का सॉल्यूशन नहीं है। समझ रहे हैं? अब आप सोचिए कि आप देखते हैं कि हमारे देश में भी आपने देखा है कि कई केसों कई मामलों में आप डायरेक्ट मौत की सजा, आप कितना क्या इतना टाइम लगता है, 4 से 5 मिनट में खत्म हो जाता है। अगर आपको सजा देनी है तो तगड़ी दीजिए ना। समझ रहे हैं? गल गल के मर रहा है, कट कट के मर रहा है, इस तरह की सजा होगी तब तो लोग डरेंगे। 2020 से 2019 तक भारत में मृत्यु दंड का क्रियान्वयन नहीं किया गया था। 20 मार्च 2020 को निर्भया कांड के 4 दोषियों को फांसी पर लटकाया गया था। कब? 20 मार्च को। ठीक है, याद रखिए। इसमें आपने देखा है कि बहुत एक तरह से ड्रामा भी हुआ है, आपने देखा होगा। चलते हैं आगे। उत्तरी मैसेडोनिया नाटो का 30वां सदस्य बन गया है। अप्रैल 1949 में अमेरिका, कनाडा और 10 पश्चिमी यूरोपीय देशों यूके, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, पुर्तगाल, डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड और लग्जमबर्ग ने वॉशिंगटन संधि या उत्तर अटलांटिक संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके फलस्वरूप नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आप लोग सामान्यतः नाटो कहते हैं, के गठन हुआ। नाटो एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है जिसका उद्देश्य एक संगठित सुरक्षा प्रणाली के सृजन हेतु उत्तरी अमेरिका व यूरोप के स्वतंत्र एवं स्वायत्त देशों को एक छत के नीचे लाना है। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। ठीक है, तो याद रखिए 30वां सदस्य बना है आपका उत्तरी मैसेडोनिया। 27 मार्च 2020 को उत्तरी मैसेडोनिया ने नाटो की सदस्यता ग्रहण कर ली है। और इस प्रकार अब नाटो के सदस्य देशों की संख्या कितनी होगी? 30, यानी कि 30। ठीक है, उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य नाटो का 30वां सदस्य है। ये जो भी रहते हैं हाल में जुड़ते हैं तो इनके बारे में भी पूछ लेता है। उत्तरी मैसेडोनिया कभी योगोस्लाविया का हिस्सा हुआ करता था। स्थापना के बाद अब तक 7 बार नाटो का विस्तार हो चुका है। उपयुक्त वर्णित 12 संस्थापक सदस्यों के बाद सर्वप्रथम वर्ष 1952 में ग्रीस व तुर्की नाटो के सदस्य बने। तत्पश्चात वर्ष 1955 में पश्चिमी जर्मनी, यानी कि वर्तमान में जो जर्मनी कहते हैं आप लोग, ये बना। 1982 में स्पेन और 1999 में पोलैंड, हंगरी, चेक गणराज्य इसके सदस्य बने। 2004 में आप देखेंगे बुल्गारिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया एवं स्लोवेनिया, और 2009 में आप देखेंगे अल्बानिया एवं क्रोएशिया ने, जबकि 2017 में मॉन्टेनेग्रो ने नाटो की सदस्यता प्राप्त की थी। और अब कितने हैं? 30। ठीक है, 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। उत्तरी मैसेडोनिया नाटो की शांति के लिए साझेदारी योजना वर्ष 1995 में शामिल हुआ था। याद रहे कि उत्तरी मैसेडोनिया अभी यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं बन सका अभी तक। ठीक है, फिर आप देखेंगे अब आप कितने खुश रहते हैं, यानी कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2020, यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020। प्रसन्नता तथा अच्छे रहन सहन पर एक संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय सम्मेलन का आयोजन 2 अप्रैल 2012 को न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में किया गया था। कब? 2 अप्रैल 2012 को। इस सम्मेलन के समर्थन में 2012 में पहली विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जारी की गई थी। कब? 2012 में पहली विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की गई थी। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पोषणीय और विकास समाधान नेटवर्क का एक विकासन है, जिसमें मुख्यतः गैलप वर्ल्ड पोल द्वारा प्रदत्त डेटा का उपयोग किया जाता है। ये भी पूछ लेगा कि किसके कौन डेटा इससे देता है, उसके आधार पर रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। तो यह गैलप वर्ल्ड पोल। ठीक है, याद रहे कि आपकी 20 मार्च 2020 को संयुक्त राष्ट्र पोषणीय विकास समाधान नेटवर्क का आठवीं विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जारी की गई है। वर्तमान रिपोर्ट में 153 देशों को उनके नागरिकों की प्रसन्नता के स्तर पर अनुसार रैंकिंग प्रदान की गई। कितने देशों ने भाग लिया है? 153 देशों ने। ठीक है, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट प्रसन्नता 6 घटकों पर आधारित है। प्रति व्यक्ति जीडीपी, सामाजिक अवलंबन, स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा, जीवन में चुनने की स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार बोध। एक बात आप लोग कॉमन सेंस लगा लिया करिएगा कि आप सोचिए प्रसन्नता, आप खुशी कहाँ रहेंगे, खुश कहाँ, किस देश में रहेंगे?
क्या आप चाइना में खुश रह पाएंगे? यानी कि कहने का मतलब है कि जहां आपकी स्थिति का कोई मालूम ना हो, कल का कोई मालूम ना हो, बोलने का कोई अधिकार ना हो, स्वतंत्रता ना हो, तो मुझे लगता है कि वहां आप खुशी रह पाएंगे। और उसी के हिसाब से आपको एंटेक जो भी रैंकिंग रहेगी देगा। अब पाकिस्तान की आप देख लीजिए, पाकिस्तान नीचे ही रहेगा। तो इसमें आप देखेंगे 2020 में गत वर्ष की भांति एक बार फिनलैंड सर्वाधिक प्रसन्न देशों की सूची में 7.809 अंकों के साथ प्रथम स्थान पर है। फिनलैंड की स्थिति आप जानते हैं, इन देशों के बारे में हमेशा टॉप पर रहते हैं। तो इस बार आपका फिनलैंड पहले नंबर पर है, ठीक है, यहाँ सबसे ज्यादा लोग खुश रहते हैं। उसके बाद अगर टॉप पांच की बात करें तो इनमें फिनलैंड एक नंबर पर है, ये 2019 में भी एक नंबर पर था। डेनमार्क की बात करें तो दूसरे नंबर पर है, ये भी 2019 में भी दूसरे नंबर पर था। स्विट्जरलैंड की बात करें तो तीसरे नंबर पर है 2020 में, और 2019 में ये छठवें नंबर पर था। आइसलैंड की बात करें तो चौथे नंबर पर है, और पिछली बार भी ये चौथे नंबर पर था। नॉर्वे की बात करें तो पांचवें नंबर पर है, और पिछली बार तीसरे नंबर पर था। तो पहले आपको एक दो तीन टॉप याद रख सकते हैं, ठीक है। थ्री, फिनलैंड पहले नंबर पर, डेनमार्क दूसरे नंबर पर, स्विट्जरलैंड तीसरे नंबर पर। याद रहे कि रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान विश्व का सबसे दुखी देश है। आपको मालूम होना चाहिए कि अफगानिस्तान की क्या स्थिति है, वहां के लोगों की क्या जीवन यापन कैसे करते हैं, किस तरह रहते हैं। तो इसमें आप कॉमन सेंस भी लगा लिया करिएगा, कभी आपको अगर माइनस मार्किंग नहीं है तो वहां मुझे लगता है इस तरह के आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं। तो अफगानिस्तान सबसे नीचे है, ठीक है, और शीर्ष 10 देशों में कोई भी एशियाई देश शामिल नहीं है, यानी कि हमारे एशिया महाद्वीप का कोई भी देश टॉप 10 में शामिल नहीं है। भारत की दृष्टि से यह रिपोर्ट निराशजनक है, क्योंकि रैंकिंग में भारत 144वें स्थान पर है, और इसका स्कोर 3.573 है। यानी कि कहने का मतलब है कि 144वें स्थान पर हम रखे गए हैं। आप स्थिति समझ सकते हैं कि हमारी कोई खास स्थिति नहीं है सुधरी हुई। हमारे यहाँ लोग ज्यादा खुश नहीं रहते हैं, कुछ आपको लगता होगा आप शायद खुश हैं, लेकिन 144 भी रैंकिंग दी गई हमें। समझिए 2020 में आपको प्रसन्नता, जो विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट है, इसमें कौन सी रैंकिंग दी गई है, 144वीं, ठीक है। अगर हम लोग ब्रिक्स से देशों की बात करें तो ब्राजील को 32वीं, और रूस को आपकी 73वीं, चीन को 94वीं, और दक्षिण अफ्रीका को 109वीं, भारत को 144वीं। वैसे आपको याद रखना चाहिए कि देखिए चीन हमसे आगे है और दक्षिण अफ्रीका भी हमसे आगे है। हमारी स्थिति एक तरह से कहिए कि हम नीचे जा रहे हैं, समझ रहे हैं। 2019 की बात करें तो 140वां हमें नंबर मिला था, समझ रहे हैं, 2019 में 40वां नंबर था, 140वां, और इस बार हमें 144वां है, ठीक है, इन्हें भी याद रखिए। अगर हम 10 प्रमुख शहरों की रैंकिंग की बात करें तो हेलसिंकी पहले नंबर पर है, ये आप जानते हैं कि फिनलैंड का शहर है। आरहुस ये डेनमार्क का शहर है दूसरे नंबर पर। विलिंगटन ये न्यूजीलैंड का तीसरा नंबर है। ज्यूरिख ये स्विट्जरलैंड का शहर है। कोपेनहेगन डेनमार्क का शहर है। वर्जेन नॉर्वे का शहर है। ओस्लो नॉर्वे का शहर है। तेल अबीब इजराइल का शहर है। स्टॉकहोम स्वीडन, और दिल्ली आपका 180वें स्थान पर है भारत में। आप समझ रहे हैं दिल्ली हमारा राजधानी है, और समझिए आपकी राजधानी का जब ये हाल है तो बाकी क्षेत्र का आप समझ सकते हैं। तो हमें वैसे अगर आपसे पूछे तो 144वां स्थान मिला है, अगर दिल्ली के बारे में पूछ ले तो 180वां स्थान मिला हुआ है, ठीक है, ये भी याद रख सकते हैं। चलते हैं आगे हम लोग, अंतरराष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2019। अंतरराष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2019 स्वीडन की संसद द्वारा वर्ष 1986 में, 1966 में, कब, 1966 में स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान संघर्षों सशक्तिकरण शस्त्र नियंत्रण निशस्त्रीकरण के संदर्भ में अनुसंधान हेतु समर्पित एक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय संस्थान है, और 1950 से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हस्तांतरित हुए प्रमुख शस्त्रों की मात्रा एवं प्रकार के संबंध में प्रमाणिक विश्वसनीय और सिलसिलेवार डाटा उपलब्ध कराना ही सीपरी शस्त्र हस्तांतरण डाटाबेस का उद्देश्य है। इसे सीपरी भी कह देते हैं एक तरह से, ठीक है। तो स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान है। याद रखने योग्य तथ्यों की बात करें तो 9 मार्च 2020 को सिकरी द्वारा विश्व में पारंपरिक आयुधों के हस्तांतरण की स्थिति पर नवीनतम रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2019 शीर्षक से जारी की गई है एक रिपोर्ट। सिकरी के आंकड़े सौदों के वित्तीय मूल्य के बजाय शस्त्र अंतरणों
की मात्रा दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख आयोगों के अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण की मात्रा वर्ष 2010 से 2014 की तुलना में 2015 से 19 में 5.5% रही है, 5.5%। सिफरी ने वर्ष 2015 से 19 के दौरान प्रमुख सस्तों के निर्यातक के रूप में 68 देशों को चिन्हित किया, कितने 68। 2015 से 2019 की अवधि में विश्व के शीर्ष 5 सस्त निर्यातक देशों तथा उनका विश्व कुल सस्त निर्यात में हिस्सा की बात करें तो पहले पर अमेरिका, यानी कि बेचने की बात की जा रही है। निर्यातक आप समझते हैं ना कि दूसरे देश को अगर बेच रहे हैं तो आप निर्यातक कहलाएंगे, तो इसमें अमेरिका आपका 36%, रूस का योगदान दूसरे नंबर पर 21%, फ्रांस 7.9%, जर्मनी चौथे नंबर पर है 5.8%, और चीन 5.5% है। तो याद रखिए टॉप पर आपका अमेरिका है, अमेरिका सबसे ज्यादा हथियार बेचता है किसी अन्य देशों को, ठीक है। उक्त 5 से सस्ते आपूर्तिकर्ता देश संयुक्त रूप से वर्ष 2015 से 19 के दौरान विश्वव्यापी सस्तों के कुल 76% निर्यात हेतु उत्तरदायी। इन पांचों देशों ने मिलकर 76% अकेली एक तरह से व्यापार किया है, दूसरे देशों को बेचा है। अगर 2015 से 19 की अवधि में विश्व के 35 सस्त आयातक, आप समझ रहे हैं खरीददारों की अगर हम बात करें तो उनका विश्व सस्त के आयात में हिस्सा की बात करें तो सऊदी अरब 12%, भारत दूसरे नंबर पर 9.2%, मिस्र आपका 5.8%, ऑस्ट्रेलिया 4.9%, चीन 4.3%। तो इसमें आपको याद रखना है सबसे ज्यादा हथियार कौन बेचता है, अमेरिका, सबसे ज्यादा खरीदता कौन है, सऊदी अरब, और भारत की स्थिति कितनी है इसमें दूसरी, ठीक है। उक्त 35 सस्त आयातकों का विश्व के कुल सस्त आयातक में योगदान 36 है। 35 देशों के संदर्भ में वर्ष 2010 से 14 की तुलना में वर्ष 2015 से 19 में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि मिस्र में देखी गई, कहां मिस्र में 212% की आयात हुई है, खरीदा है। 2015 से 2019 की अवधि में भारत प्रमुख सस्तों का दूसरा सबसे बड़ा आयातक रहा है। भारत के बारे में जरूर याद रखा करिएगा, ठीक है, आयातक पहला नंबर रख लिया, दूसरा निर्यातक, और फिर भारत की स्थिति देख ली, इतना बहुत है। इस अवधि में भारत द्वारा सस्त आयात वैश्विक सस्त आयातों का 9.2% रहा है। 2010 से 2014 एवं वर्ष 2015 से 2019 के मध्य भारत द्वारा सस्त आयातों में 32% की कमी दर्ज की गई है, यानी कि अच्छी बात है। वर्ष 2015 से 19 की अवधि में भारत को सस्तों की प्रमुख आपूर्तिकर्ता की बात करें तो रूस, यानी कि सबसे ज्यादा हमने किस देश से हथियार खरीदे हैं, रूस से। भारत की कुल सस्त आयात के 56% के लिए उत्तरदायी है रूस, दूसरे नंबर पर इजराइल, तीसरे नंबर पर फ्रांस, इसे भी याद रखें। तो हम सबसे ज्यादा किस देश से अपने हथियार खरीदते हैं सस्तों को, रूस से, ठीक है। मुझे लगता है कि हमें खुद बनाने की इस तरह की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, क्योंकि समझिए कि हम दूसरे देशों पर खरीद रहे हैं तो ये ज्यादा दिन तक हम लोग टिक नहीं पाएंगे, समझ रहे हैं, क्योंकि कई बार आप देखते हैं कई देश बेचने से मना कर देते हैं, कई बार आप देखते हैं हमें वही जेट या कोई भी हथियार दे देता है और वही देश पाकिस्तान को भी मिल देता है। तो आप समझिए कि हमारे मतलब हमारी जो तकनीक है वही हमारे सामने वाले दुश्मन के पास है, तो क्या कर सकते हैं, समझ रहे हैं। इस पर भी एक तरह से हम घरेलू स्वदेशी बनाना चाहिए हमें। 2015 से 2019 की अवधि में भारत रूस तथा इजराइल के सस्तों का 30 ग्राहक रहा है। रूस द्वारा सस्तों का सर्वाधिक 25% निर्यात भारत को किया गया है। इसी प्रकार इजराइल द्वारा भी सस्तों का सर्वाधिक निर्यात 45% भारत को किया गया है, ठीक है। और 2015 से 19 में विश्व के प्रमुख सस्त निर्यातकों की सूची में भारत का 23वां स्थान है, निर्यातकों की बात कर रहा हूं यानी कि बेचने के मामले में। इस अवधि में भारत द्वारा सस्त निर्यात वैश्विक सस्त निर्यातों का 0.2% है। देखिए हम लोग खरीददार में दूसरे नंबर पे हैं, बेचने में 23वें नंबर पे हैं, हमारी स्थिति के बारे में आप समझ सकते हैं इसकी। भारत के सस्तों के 33 ग्राहकों की बात करें तो म्यांमार 46%, श्रीलंका 25 और मॉरिशस 14%, यानी कि हम गरीब देशों को बेच देते हैं, समझ रहे हैं। हमारे पास इतने बेहतर कोई भी सामान नहीं है कि हम अमेरिका जैसे या चीन जैसे या बाकी रूस जैसे देशों को बेचे, हम गरीबों की मदद करते रहते हैं। वही हाल है कि हमने कोई गाड़ी खरीदी तो हमारी औकात ऐसी गाड़ी बनाने की नहीं है कि अमेरिका भी उसे खरीदे, तो मैं क्या करूंगा कि अमेरिका से मैं खरीदता रहूंगा और अपने यहाँ जो पुरानी गाड़ी होगी वो दूसरे को बेचते रहूंगा, या हम जो गाड़ी अपने घर बनाते हैं वो दूसरों को बेचते रहेंगे गरीब देशों को,
क्योंकि आपसे अमीर तो खरीदेगा नहीं, आपकी क्वालिटी, गाड़ी की क्वालिटी अच्छी होगी तभी खरीदेगा, तो गरीब तो आपकी कैसी भी क्वालिटी खरीद लेगा। तो यही हाल है। अब बात करते हैं भारत हिंद महासागर आयोग में पर्यवेक्षक। भारत हिंद महासागर आयोग में पर्यवेक्षक। हिंद महासागर आयोग एक अंतर सरकारी संगठन है। वर्तमान में हिंद महासागर आयोग के 5 पूर्णकालिक सदस्य हैं। इसमें कौन कौन है? मॉरिशस, सेशल्स, रीयूनियन, फ्रांस का समुद्र पारीय क्षेत्र, कोमोरोस और मेडागास्कर। ठीक है, ये क्या है? 5 पूर्णकालिक सदस्य हैं, 5। ठीक है, हिंद महासागर आयोग की स्थापना 1982 में हुई थी। कब? 1982 में हुई थी। कहां हुई थी? पोर्ट लुई मॉरिशस में हुई थी। इसे वर्ष 1984 में सेशल्स में हुए विक्टोरिया समझौते के माध्यम से सांस्थानिक दर्जा प्रदान किया गया। यह अफ्रीका का एकमात्र ऐसा क्षेत्रीय संगठन है जो केवल द्वीपीय राष्ट्रों से निर्मित है। इसका उद्देश्य हिंद महासागर के तटीय क्षेत्रों में स्थित राष्ट्रों के बीच राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना और पारस्परिक आर्थिक सहयोग में वृद्धि करना है। आपने देखा होगा कि 6 मार्च 2020 को सेशल्स की आयोजित हिंद महासागर आयोग की मंत्री परिषद की 34वीं बैठक में भारत को आयोग में पर्यवेक्षक का दर्जा मिला है। कौन सी बैठक में? 34वीं। भारत के अतिरिक्त जापान और संयुक्त राष्ट्र यूएन को भी आयोग के पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान है। जापान और यूएन को भी। मार्च 2020 में भारत, जापान और संयुक्त राष्ट्र को इस आयोग के पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त होने के बाद पर्यवेक्षक सदस्यों की कुल संख्या 7। 4 अन्य पर्यवेक्षक कौन कौन से? चीन को भी मिला है, यूरोपीय संघ को मिला है, OIF को भी मिला है, माल्टा को भी मिला है। ठीक है, याद रहे कि पर्यवेक्षक सदस्यों को आयोग की प्रमुख बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है और साझा हितों के विषयों पर दीर्घकालीन वार्ता प्रक्रिया में शामिल भी किया जाता है। पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की विस्तार की योजनाओं के परिप्रेक्ष्य में पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया जाना देश के लिए महत्वपूर्ण है। और आप जानते हैं हिंद महासागर का जो महासागर है इसका नाम हमारे ही देश पर रखा गया है, हिंद महासागर, समझ रहे हैं? अतः पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त हो जाने के बाद भारत पश्चिम हिंद महासागर के द्वीपीय राष्ट्रों के साथ सामूहिक आदान प्रदान में शामिल हो सकेगा, साथ ही अपने मित्र देश फ्रांस के साथ संबंधों को और प्रगाढ़ कर सकता है। यह कदम भारत की सागर नीति के लिए महत्वपूर्ण है जो सभी के लिए सुरक्षा और विकास से संबंधित है। अब बात करते हैं हम लोग अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के बारे में भी। 2020 विश्व के सबसे बड़े व्यापारिक संघ US चैम्बर ऑफ कॉमर्स का वैश्विक नवाचार नीति केंद्र विश्वभर में बौद्धिक संपदा अधिकारों के समर्थन हेतु कार्यरत है। इस संस्थान द्वारा अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2012 सूचकांक वर्ष 2012 से जारी किया जा रहा है। तो ये कौन जारी करता है? US चैम्बर ऑफ कॉमर्स का वैश्विक जो नवाचार नीति केंद्र है, इसके द्वारा क्या किया जाता है? इस संस्थान के द्वारा इस बौद्धिक संपदा सूचकांक को जारी किया जाता है। ये पहली बार कब जारी किया गया था? 2012 में। ठीक है, 2012 में 5 फरवरी 2020 को UN चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवाचार नीति केंद्र द्वारा अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक का 2020 का 8वां वार्षिक संस्करण जारी किया गया है। तो ये किस नंबर का है? 8वां है। तो याद रखिए कौन जारी करता है, भारत की स्थिति क्या है उसमें, और हमारे पड़ोसियों की स्थिति क्या है उसमें, और किन आधारों को ध्यान में रखते हुए, किन बातों को ध्यान में रखते हुए इसे बनाया जाता है, इन सब पॉइंटों को याद रखा करिएगा। आपको दुनिया का कुछ याद नहीं रखना है, कौन जारी कर रहा है, क्या देखकर जारी कर रहा है, भारत की रैंकिंग क्या है, कौन सी रिपोर्ट है, पहली बार कब रिपोर्ट जारी की गई थी, यही कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं। इसीलिए तो बोलता हूं कि आप हजारों बुक्स पढ़ लीजिए। जब आपको क्वेश्चन पकड़ना नहीं आ रहा है, आपको पॉइंट पकड़ना नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे? आज से कुछ सालों पहले की ही बात है, कुछ समय पहले मैं एक लाइब्रेरी में बैठता था, पढ़ता था। वहां मैंने देखा कि एक लड़की, पता है पूरी, आप एम लक्ष्मीकांत, मुझे लगता है कि आप सिविल सर्विस स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं, तो पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत आपको कहा जाता है, पढ़िए, और आप लोग पढ़ते भी हैं। तो वो क्या करती थी कि पूरा उतार देती थी, मतलब पूरा नीचे से ऊपर से नीचे तक पूरी बुक्स को उतार दी। अब सोचिए आप लोग कि उस बुक्स का मतलब, नोट्स बनाने का मतलब क्या है उसका? नोट्स का सीधा सा मतलब रहता है कि एक पूरी बुक्स है वो 500 पेज की है, तो उसमें से कम इस तरह के पॉइंट छांटिए कि 10 से 15 पेज में आपकी पूरी बुक्स खत्म हो जाए।
जैसे आप 1 महीने में पढ़ने का समय लगता है बुक्स को, उसे रिवीजन करते समय आपको बहुत से बहुत 5 से 10 घंटे लगना चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग? ये होता है नोट्स बनाने की कला। और याद रखिए, हम दूसरे के नोट्स से कभी सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। वही कहते हैं ना कि हम अपनी दूसरे के बताए रास्तों पर चलकर हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं। क्योंकि आप देखिए, हमें जैसे मालूम है कि भारत की राजधानी दिल्ली है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो हम नोट्स में क्यों लिखेंगे ये पॉइंट? हम तो वो लिखेंगे जो हमें याद ना हो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि टॉपर के किसी के नोट्स उठा के पढ़ने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि अपने नोट्स खुद बनाइए, ठीक है? तो मुझे लगता है बेहतर स्कोर कर पाएंगे और आप समझ भी पाएंगे। तो 2020 के सूचकांक में विश्व की 53 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। तो याद रखना, कितनी? 53, यानी कि 53 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 90% का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस सूचकांक में 50 विभिन्न संकेतकों के आधार पर इन 53 देशों में बौद्धिक संपदा अवसंरचना का मूल्यांकन किया गया है। तो याद रखना, 50 विभिन्न संकेतकों के आधार पर इसे तैयार किया गया है। याद रहे कि 2020 के संस्करण में 5 नए संकेतकों को भी जोड़ा गया है। इस सूचकांक में भारत को 40 बार स्थान मिला है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है कि भारत को कौन सा स्थान मिला है, 40 बार, ठीक है? अगर हम 5 टॉप देशों की बात करें तो अमेरिका पहले नंबर पर, इसका स्कोर कितना है, 95.28। यूनाइटेड किंगडम दूसरा, फ्रांस तीसरा, जर्मनी चौथा, स्वीडन पांचवा। अमेरिका उसके बाद आप देखेंगे, यूनाइटेड किंगडम दूसरे, फ्रांस तीसरे, जर्मनी चौथे और 5वें नंबर पर स्वीडन है। अगर हम अंतिम 5 देशों की बात करें नीचे से टॉप की, तो वेनेजुएला 53, याद रखिए सबसे नीचे वेनेजुएला, ऊपर अमेरिका, और भारत की स्थिति 40, और अल्जीरिया 52, पाकिस्तान आपका पड़ोसी है 51, नाइजीरिया 50 और 49 कुवैत, ठीक है? भारत के अतिरिक्त अन्य ब्रिक्स देशों की बात करें तो इसमें चीन को 28, रूस को 31, ब्राजील को 34 और दक्षिण अफ्रीका को 42, ठीक है? चीन को कितना, 28, और रूस को 31, ब्राजील को 34, दक्षिण अफ्रीका को 42 और भारत को 40, ठीक है? इस सूचकांक में भारत के अतिरिक्त शामिल एक अन्य दक्षिण एशियाई देश पाकिस्तान को 51वें स्थान पर रखा गया है, ठीक है? इसे भी याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता गठबंधन। अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता गठबंधन 16 से 18 जुलाई 2019 के मध्य अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ाने पर दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक के दौरान 18 जुलाई 2019 को अमेरिका के राज्य सचिव माइक पोम्पियो ने अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता गठबंधन की गठन की घोषणा की है। तो आप समझिए कि अमेरिका राज्य सचिव कौन है, माइक पोम्पियो ने, इसे भी याद रखिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसमें क्या क्या याद रखना है। 5 फरवरी 2020 को माइक पोम्पियो ने अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता गठबंधन का लॉन्च किया है, और अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता गठबंधन में अमेरिका समेत 27 यानी कि 27 संस्थापक सदस्य देश शामिल हुए हैं। कौन कौन से हैं, तो याद रखिए, जो संस्थापक सदस्यों के बारे में पूछ लेता है, तो कितने देश शामिल हैं, 27। इसमें अमेरिका, ऑस्ट्रिया, अल्बानिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, ब्राजील, बुल्गारिया, कोलंबिया, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, गाम्बिया, जॉर्जिया, ग्रीस, हंगरी, इजराइल, कोसोवो, लाटविया, लिथुआनिया, माल्टा, नीदरलैंड्स, पोलैंड, सेनेगल, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, टोगो, यूक्रेन, यूके इस गठबंधन के संस्थापक सदस्य हैं। यानी कि ये 27 सदस्य आपके शामिल किए गए हैं इसमें, ठीक है? आगे, यह समान विचारधारा वाले राष्ट्रों का एक समूह है जो ताकतवर राष्ट्रों को धार्मिक उन्माद और धार्मिक आतंकवाद से पीड़ित व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए एकत्रित करता है। साथ ही यह गठबंधन धार्मिक अपराधियों को दंडित करने की वकालत भी करता है। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता गठबंधन के अगर उद्देश्य की बात करें, आप भी जानते हैं कि कोई भी संगठन हो, उसे बनाने का कोई ना कोई तो उद्देश्य होता है। किस लिए बनाए जाते हैं संगठन, इसलिए तो बनाते हैं कि कोई उद्देश्य हो उसका। तो इसके उद्देश्यों में क्या क्या शामिल है, इसमें शामिल है आपका अमेरिका की विदेश नीति मूल उद्देश्य के रूप में धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना। दूसरा है विश्व भर में धार्मिक उत्पीड़न और भेदभाव की निगरानी करना। तीसरा है आपका निगरानी के साथ
विश्व के देशों और क्षेत्रों में सिफारिश करना, नीतियां कार्यान्वित करना जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा मिले, धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों और नीतियों का विकास करना, धार्मिक उन्माद, धार्मिक आतंकवाद कम करना और धार्मिक अल्पसंख्यकों जैसे ईरान में यजीदी, पाकिस्तान में हिंदू, उत्तर पूर्वी नाइजीरिया में ईसाई और म्यांमार में मुस्लिम को धार्मिक शोषण से सुरक्षित करना एक तरह से। एक बात आपको बताऊं, जब 1947 में हम आजाद हुए तो पाकिस्तान हमसे अलग हुआ। आपने देखा उस समय हिंदू बहुत खास मात्रा में, एक तरह से कहिए हिंदू पाकिस्तान गए हुए थे। आज आप देखेंगे ना के बराबर पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या है। तो कहाँ गए वो हिंदू? या तो उनका धर्म परिवर्तन करवा दिया गया है, या क्या किया गया है कि उन्हें मार दिया गया है। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये स्थिति है पाकिस्तान की, आप जानते हैं। अब बात करते हैं भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, और मुझे लगता है कि भारत में आप भ्रष्टाचार को देखते हैं, आपका काम ही कुछ नहीं होता है बिना भ्रष्टाचार, बिना लेन देन की। तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019 के बारे में बात करें तो 1995 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा प्रतिवर्ष भ्रष्टाचार बोध सूचकांक यानी जिससे आप लोग सीपीआई भी कहते हैं जारी किया गया जाता है। इस सूचकांक के तहत विश्व के देशों एवं क्षेत्रों को वहां व्याप्त भ्रष्टाचार के आधार पर रैंकिंग प्रदान की जाती है। तो याद रखिए ये 1995 द्वारा 1995 से 30 वर्ष ये आपका कौन जारी करता है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, कौन जारी करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। कौन जारी करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये संस्था को याद रखना ठीक है। और 23 जनवरी 2020 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019 जारी किया गया है। प्रतिवर्ष जारी होने वाले इस सूचकांक का 25वां संस्करण है। कितना? 25 नंबर का है ठीक है, ये भी याद रखिए। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019 में 13 विभिन्न सर्वेक्षण एवं विशेषज्ञ मूल्यांकनों के आधार पर विश्व के 180 देशों एवं क्षेत्रों को सार्वजनिक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के स्तरों के अनुरूप रैंकिंग प्रदान की गई है, यानी कि उन्हें क्रम दिया गया है। 180 देश हैं इसमें। इस सूची में 0 से 100 यानी कि 0 से 100 अंकों तक विस्तारित पैमाने का प्रयोग किया गया है, जहां 0 का अर्थ सर्वाधिक भ्रष्ट यानी कि सबसे बुरी स्थिति और 100 का अर्थ है कि सर्वाधिक ईमानदार। समझ रहे हैं? सूचकांक में आप देखेंगे डेनमार्क को स्कोर आपका मिला है 87, 87। कितना? ये 87 है स्कोर है, और इसका अगर हम लोग रैंकिंग की बात करें तो टॉप पर है, मतलब पहले नंबर पर है आपका डेनमार्क। यहाँ सबसे कम आपको भ्रष्टाचार देखने को मिलेगा, समझ रहे हैं? और न्यूजीलैंड आपका 87, इसे भी 87 आपका स्कोर मिला हुआ है, ये दूसरे नंबर पर है संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर, जबकि सोमालिया 9 अंक सबसे निचले स्थान पर है ठीक है। सोमालिया कितने पर है? 180वां स्थान मिला है सोमालिया को। एक बात और याद रखिए, सबसे कम भ्रष्टाचार वाले 6 देशों की बात करें इसमें तो डेनमार्क को पहला स्थान, न्यूजीलैंड को दूसरा, ये रैंकिंग हो गई, ये स्कोर हो गया, इसमें 87 87 दोनों को मिला हुआ है। डेनमार्क को भी आपका 87 मिला हुआ है स्कोर, और न्यूजीलैंड को भी आपका 87 मिला हुआ है, यानी कि दोनों को एक नंबर पर रखा गया है। कहाँ? एक नंबर पर रखा गया है। फिनलैंड को आपका तीसरे नंबर पर, सिंगापुर को चौथे, स्वीडन को चौथे और स्विट्जरलैंड को आपका चौथे। तो इसमें आप लोग डेनमार्क याद रखिए और न्यूजीलैंड याद रखिए, इन दोनों को पहला स्थान मिला हुआ है ठीक है, 87 87 स्कोर। अब बात करते हैं सबसे भ्रष्टाचार वाले 4 देशों की, तो इसमें आप देखेंगे सोमालिया में 180वां स्थान मिला है, दक्षिण सूडान 179, सीरिया 178, यमन 177। देखिए इस नाम से मुझे लगता है कि मालूम चल जाएगा कि आपको, अगर आप सोचिए आपके दिमाग में आ जाए कि डेनमार्क न्यूजीलैंड, तो आप समझ जाएंगे कि वहां के लोगों की जीवन यापन कैसा हुआ रहता है, खुश भी रहते हैं, आप कहिए कि हर तरह से वो समृद्ध हैं। और वहीं आपके दिमाग में अगर आ जाए कि दक्षिण सूडान सोमालिया, तो आपके दिमाग में यहाँ जाने की इच्छा ही नहीं करेगी। तो सबसे पहले नंबर पर आपके डेनमार्क और न्यूजीलैंड, नीचे की बात करें तो 80 नंबर पर आपका सोमालिया। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019 में आप हमारा प्यारा भारत भी देख लीजिए, भारत को 41 स्कोर मिला हुआ है। कितना? 41, और कितने नंबर पर? 80वें नंबर पर। हमारी स्थिति कोई अच्छी नहीं है, समझ रहे हैं? 80वें स्थान पर हम लोग। भारत के साथ बेनिन, चीन, घना, मोरक्को को भी 41 पे 41
स्कोर मिला है और 80वें स्थान पर है। तो याद रखना हमारी स्थिति बेनिन, चीन, घाना, मोरक्को के साथ मिलकर ही है, ठीक है। हम भी 80 नंबर पर हैं और ये भी 80 नंबर पर हैं। इन्हें भी 41 स्कोर मिला है, मैं भी 41 स्कोर। वर्ष 2018 की सूचकांक में भारत को 180 देशों की सूची में 78वें स्थान पर था। 2019 में भारत की रैंकिंग में गिरावट दर्ज की गई थी, ठीक है। तो 2018 के जो आया था उसमें 78वें थे और इस बार हम लोग 80 पे पहुंच गए। इस सूचकांक में भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो चीन 80वें और श्रीलंका 93वें भी और पाकिस्तान 120, नेपाल 113वें स्थान पर, बांग्लादेश 146 और अफगानिस्तान 173। यानी कि हमारे पड़ोसियों की सबसे की हालत टाइट है और उनकी स्थिति से भी आप तो दिमाग लगा सकते हैं ना कि हम समझिए कि हमारी स्थिति कितनी खराब है। हम गरीबी में तो जीते हैं, समझ रहे हैं, यहाँ गरीब की कोई सुनता भी नहीं है, बिना लेन देन के कुछ होता भी नहीं है। तो आप समझिए कि टॉप पर तो नहीं पहुंच जाएंगे, हम नीचे से ही टॉप करेंगे हमेशा। यह ब्रिक्स देशों की रैंकिंग में भारत चीन के अतिरिक्त दक्षिण अफ्रीका 70वें स्थान पर, ब्राजील 106वें स्थान पर, रूस 133वें स्थान पर है। तो ये ब्रिक्स देशों की बात की जा रही है। तो भारत के बारे में याद रखिए 80वें स्थान पर है, 2018 में पिछली बार 78वें स्थान पर था, ठीक है। अब बात करते हैं ग्लोबल गो टू थिंक टैंक इंडेक्स रिपोर्ट 2019। ग्लोबल गो टू थिंक टैंक इंडेक्स रिपोर्ट 2019। ग्लोबल गो टू थिंक टैंक इंडेक्स रिपोर्ट को पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय की एक गैर लाभकारी कार्यक्रम थिंक टैंक और सिविल सोसाइटी कार्यक्रम के तहत जारी किया जाता है। सर्वप्रथम यह रिपोर्ट कब 2006 में जारी की गई थी। तो याद रखिए कौन इसे एक तरह से जारी करता है, तो जो पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय है कि एक गैर लाभकारी कार्यक्रम है थिंक टैंक, और दूसरा कौन सा है सिविल सोसाइटी कार्यक्रम, इसके तहत इसे जारी किया जाता है। और पहली बार ये कब जारी की गई थी, 2006 में। कब, 2006 में पहली बार। इसके बारे में और भी पॉइंट है आपकी, हाल ही में देखेंगे पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय द्वारा ग्लोबल गो टू थिंक टैंक इंडेक्स रिपोर्ट 2019 जारी की गई। ये किस नंबर की रिपोर्ट है, ये आपकी 14वीं नंबर की रिपोर्ट है, 14वीं नंबर की। ग्लोबल गो टू थिंक टैंक इंडेक्स रिपोर्ट में विश्व भर में 175, कितना, 175 थिंक टैंकों को सूचीबद्ध किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे अधिक थिंक टैंक अमेरिका में, जिनकी संख्या कितनी है, 1871, यानी कि 1871 अमेरिका टॉप पर है। हालांकि भारत में 509 थिंक टैंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। हाँ, चलिए अच्छी बात है कि भारत दूसरे नंबर पर है, कितना, 509 के साथ। अगर हम विश्व के 10 थिंक टैंक देशों की बात करें तो कार्नेगी एडाउमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रुई-गेल बेल्जियम, फ्रांसीसी अंतर्राष्ट्रीय संबंध संस्थान फ्रांस, रणनीतिक एवं अंतर्राष्ट्रीय अद्यतन केंद्र अमेरिका, फंडकाओ गेटू गेटू लियो वर्गास ब्राजील, चैथम हाउस यूनाइटेड किंगडम, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज यूनाइटेड किंगडम, हेरिटेज फाउंडेशन अमेरिका, पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स अमेरिका, विल्सन सेंटर ऐप के एक बुड्रो विल्सन इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्कॉलर्स अमेरिका। इसमें एक नंबर का याद रखिए, बाकी आप याद हो सकते हैं तो रख लेना। कार्नेगी एंडामेंट ऑफ इंटरनेशनल पीस, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय परिप्रेक्ष्य में सर्वोच्च रैंकिंग पाने वाला पहला संस्थान ब्रुकिंग्स संस्थान है, जिसे समग्र रूप से 23वें स्थान पर मिला गया है। कितना, 23वां। इस सूचकांक में भारत ने ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन को 27वां, कैसा, 27वां। भारत के इंस्टीट्यूट फॉर डिफरेंस स्टडीज एंड एनालिसिस को 41वां, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स रिलेशन को 110वां स्थान मिला हुआ है। वहीं द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी को इसमें 111वें स्थान मिला है। तो इन भारत के, याद रखिए भारत के बारे में पूछा जा सकता है आपसे। अब देखिए आप लोग, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2019 जारी की गई। आपको मालूम चलेगा कि लोकतंत्र की स्थिति किस देश में बेहतर है। हम कहते हैं ना कि हमारे देश में लोकतंत्र है, कितना लोकतंत्र है आपको पता चल जाएगा। 22 जनवरी 2020 को ब्रिटेन की संस्था द इकोनॉमिक द इकोनॉमिस्ट
इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2019 जारी किया गया है। यह संस्करण इस सूचकांक में 12वें नंबर का है। इस सूचकांक में विश्व भर में 165 स्वतंत्र देशों दो क्षेत्रों में लोकतंत्र की स्थिति का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। इस सूचकांक में भारत देशों को चार श्रेणियों यथा इस सूचकांक में शामिल देशों को चार श्रेणियों यथा पूर्ण लोकतंत्र, त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र, छदम शासन पद्धति, सत्तावादी शासन प्रणाली में बांटा गया है। याद रहे कि यह सूचकांक 5 अलग अलग क्षेत्रों में वर्गीकृत 60 संकेतकों पर आधारित है। तो सबसे पहले तो यही याद रखना है कि कौन जारी करता है, द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस, और कौन सा नंबर का है, 12वें नंबर का है। इसमें कितने शामिल किए गए हैं स्वतंत्र देशों को, 165 स्वतंत्र देशों को, और दो क्षेत्रों में लोकतंत्र की स्थिति का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, इसमें शामिल चार यथा श्रेणियां कौन कौन सी हैं, पूर्ण लोकतंत्र, त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र, छदम प्रशासन पद्धति और सत्तावादी शासन प्रणाली शामिल है इसमें। और 5 अलग अलग श्रेणियों में से इसमें 60 संकेतकों पर आधारित, यानी कि 60 संकेतकों के आधार पर से तैयार किया गया है। ये 5 श्रेणियां कौन कौन सी हैं, चुनावी प्रक्रिया एवं बहुलवाद, सरकार की कार्यपद्धति, राजनीतिक भागीदारी, राजनीतिक संस्कृति और नागरिक स्वतंत्रता। इनको याद रखिए, यही एक तरह से आप कहिए कि लोकतंत्र के मैन स्तंभ है। उल्लेखनीय है कि सूचकांक में शामिल 167 देशों क्षेत्रों की, देखिए 65 देश हैं और दो क्षेत्र हैं आपके, तो 167 देशों क्षेत्रों की सूची में भारत 6.90 के स्कोर के साथ 51वें स्थान पर है। आप समझिए अब लोग कि हमें 6.90 स्कोर मिला हुआ है, यानी कि हम 51वें नंबर पे हैं। 2018 में हम लोग 41वें नंबर पे थे, तो यानी कि हम कोई ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे देश में कोई अच्छी स्थिति हमारी 51। हम तो ये चाहते हैं कि टॉप, यानी कि पहले नंबर पर हम लोग रहे, टॉप पर रहे हम लोग, लेकिन 51 नंबर कोई आप कहिए महारत हासिल नहीं की हमने। तो याद रखना भारत को इस बार कौन सा नंबर मिला हुआ है, 51वां, और पिछली बार 18 में कौन सा था, ये था 41, 41, तो 51वें नंबर पे हम लोग। भारत को इस सूचकांक की चार श्रेणियों में त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र, आप समझ रहे हैं त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र, कि हमारे लोकतंत्र में कुछ कमियां हैं के अंतर्गत रखा गया है, और आपको दिखता भी है। यहां आप लोग देख लीजिए, आप चुनाव लड़िए, ठीक है, आपको स्वतंत्रता बोलने का अधिकार है, आपको चुनाव लड़ने का अधिकार है, आपको संगठन बनाने का अधिकार है, आपको घूमने का अधिकार है, सब कुछ करने का अधिकार है। क्या आपको सभी अधिकार मिलते हैं? बिल्कुल नहीं, कहीं ना कहीं आपकी एक तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाता है, समझ रहे हैं? तो इसी का परिणाम आपका सामने दिख रहा है। एक गरीब आप देख लीजिए, आपके पास पैसा नहीं, आप चुनाव, मुझे नहीं लगता है कि इस समय चुनाव जीत पाएंगे आप लोग ईमानदारी से। जो जितने मर्डर करता है, आप देखते हैं हमारी संसद या राज्यसभा में देख लीजिए, लोकसभा में या कहीं भी आप लोग देख लीजिए, आधे से अधिक सांसद वो चुने गए हैं या विधायक वो चुने जाते हैं, नेता जो दागी होते हैं, जिन पर आप बलात्कार का केस रहता है, मर्डर किए हुए होते हैं, डकैत होते हैं, तो उनसे हम अपने देश की तरक्की की क्या उम्मीद कर सकते हैं? ठीक है, तो खैर आप लोगों की, हम लोग भी उसके लिए जिम्मेदार हैं, हम लोग भी ऐसे लोगों को चुनते हैं, और इसी का परिणाम हम और देश भुगत रहा है। इस सूचकांक में प्रथम 5 स्थानों पर केंद्रित देश क्रमशः नॉर्वे, कभी आपको अगर टाइम मिले तो नॉर्वे के बारे में आप लोग पढ़िए, आइसलैंड के बारे में आप लोग पढ़िए, स्वीडन के बारे में आप लोग पढ़िए, न्यूजीलैंड के बारे में पढ़िए, फिनलैंड के बारे में पढ़िए, ये 5 टॉप हैं आपके 5 देश। नॉर्वे पहले नंबर पर, आइसलैंड दूसरे, स्वीडन तीसरे, न्यूजीलैंड चौथे, फिनलैंड 5वें नंबर पर। यहां आपको मालूम चलेगा कि लोकतंत्र का असली मतलब क्या है, समझ रहे हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो 25वीं रैंक मिली हुई है, 7.96 स्कोर के साथ त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में अमेरिका को भी रखा गया है। भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो पाकिस्तान को 108वें, अफगानिस्तान को 141वें, नेपाल को 92, भूटान को 91, बांग्लादेश को 80 और श्रीलंका को आपका, श्रीलंका को कितना है, 69वां। देखिए हम बार बार एक शब्द बता रहे हैं कि हमें अगर किसी से प्रतिस्पर्धा करनी है, बराबरी करनी है, तो अपने से आगे वाले से करिए। अब हम क्या करते हैं कि हमने, हमारे यहाँ कुछ भी हुआ, हम पाकिस्तान से तुलना कर देते हैं। अरे पाकिस्तान की औकात क्या है हमारे सामने, तो उससे मत तुलना करिए। वही हाल है कि एक बस्ती का लड़का है, उसे पढ़ने की कोई सुविधा नहीं है उसके पास, उसके माँ बाप आर्थिक स्थिति से कमजोर हैं, और हम अपने बच्चे की क्या तुलना कर रहे हैं, उस बच्चे से तुलना कर रहे हैं। उस बच्चे को अपने बच्चे की जगह उठा के देखिए, उसे भी वही सुविधाएं दीजिए जो आपके बच्चे को मिली हुई है, उसके बाद आप उससे तुलना करिए, तब मुझे लगता है कि आप, एक आरक्षण का मुद्दा रहता है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है आपका मानते हैं, कई लोग कहते हैं आरक्षण खत्म हो जाए,
तो याद रखिए उस बस्ती वाले बच्चे को भी आपके बच्चे जैसी सुविधा मिली। आपकी जो औकात है, हमारी जो औकात है, उस बस्ती वाले बच्चे की भी वही औकात रहे, तब मैं कहता हूं कि आरक्षण हटा देना चाहिए। मैं तो कहता हूं जाति पात पूरी तरह से हटा देना चाहिए, लेकिन कोई भेदभाव नहीं रहने चाहिए। और इसलिए मुझे लगता है कि आप पढ़े लिखे हैं, अगर सिविल सर्विस या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास अपनी एक सोच है। आप दुनिया जैसे अंधभक्त नहीं है, आप अपनी सोच रखते हैं, तो आप बेहतर जानते हैं कि आरक्षण की क्या व्यवस्था है। इस सूचकांक में भारत के अतिरिक्त अन्य ब्रिक्स देशों में चीन 153वें, दक्षिण अफ्रीका 40वें, रूस 134, ब्राजील 52वें नंबर पर है। सूचकांक के अंतिम पांच पायदानों पर स्थित देश उत्तर कोरिया 167वें, कांगो लोकतांत्रिक गणराज 166वें, मध्य अफ्रीकी गणराज 165, सीरिया 164, चाड 167, माफ करिए चाड 163। तो याद रखिए सबसे नीचे कौन है? उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया के मैं आप जानते हैं तानाशाही चलती है वहां, समझ रहे हैं? और भारत की पूछे तो 51, और अगर आपसे पूछे कि टॉप पर कौन है तो नॉर्वे, ठीक है, पहले नंबर पर नॉर्वे। भारत की स्थिति 51वें नंबर पे है, और सबसे नीचे है आपका उत्तर कोरिया 67वें, 167वें, ठीक है। 2019 के सूचकांक में भारत की तुलना अगर पिछले वर्षों से की जाए तो 2006 में रैंकिंग शुरू होने के बाद यह सबसे कम स्कोर है। एशिया एवं ऑस्ट्रेलियाई ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र में भारत की रैंकिंग 8वीं है। गौरतलब है कि लोकतंत्र सूचकांक पहली बार वर्ष 2006 में जारी किया गया था। कब? ये भी पूछ सकता है, 2006 में जारी किया गया था। देखिए इसका मतलब ये नहीं रहता है कि आपने जनता ने प्रधानमंत्री साहब को, नरेंद्र मोदी को चुना या कांग्रेस को चुना, बीजेपी को, इसका बिल्कुल मतलब नहीं है। आज की तुलना आप नेताओं की, आपके कोई भी प्रधानमंत्री हमारे हो या कोई भी हो किसी भी पार्टी का, आप लाल बहादुर शास्त्री से कभी तुलना नहीं कर सकते हैं, विवेकानंद से आज के नेताओं की तुलना नहीं कर सकते हैं। जमीन व आसमान का फर्क है। अगर आप तुलना करते हैं तो मुझे लगता है कि आप उनकी बेइज्जती कर रहे होते हैं, उनके सम्मान को एक तरह से ठेस पहुंचा रहे होते हैं। इसीलिए मैंने देखा है कि बायोग्राफी पूरी कवर करवा दी गई है, प्राचीन काल से लेकर आपके आज तक के नेताओं की, कि आप लोगों को सही गलत का फर्क तो मालूम चले कम से कम। तो जाइए प्ले लिस्ट में, सब कुछ डला हुआ है, ठीक है। इसे भी देख लेते हैं हम लोग, वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020, वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020। विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक सामाजिक गतिशीलता रिपोर्ट 2020 जारी की जाती है। किसके द्वारा? ये आपकी जारी की जाती है, सामाजिक गतिशीलता रिपोर्ट 2020 किसने जारी की है? वैश्विक, ये वैश्विक आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। एक क्या है अब ये यहाँ नहीं बता पाऊंगा, विश्व आर्थिक मंच क्या है, क्योंकि इसके लिए हम लोगों ने आपका देखा है कि सभी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठनों को कवर किया है, सभी रिपोर्टों के बारे में वहां बताया गया है, और फिर भी आपको लगता है कि कोई छूटा है तो मुझे बताइएगा, वह मैं कवर करवा दूंगा, ठीक है, टाइम मिलने पर आपका वो भी कवर करवा देंगे। तो इस रिपोर्ट का उद्देश्य विश्व भर में सामाजिक गतिशीलता के मार्गों की वर्तमान स्थिति का आकलन उपलब्ध कराना है। वैश्विक सामाजिक गतिशीलता रिपोर्ट के अंतर्गत जारी वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक एक ऐसा उपकरण है जो नीति निर्माताओं को सामाजिक गतिशीलता में सुधार करने हेतु क्षेत्रों की पहचान करने तथा समस्त नागरिकों हेतु समान अवसरों की प्रोत्साहन देने में समर्थ बनाता है। याद रखना, विश्व आर्थिक मंच 20 जनवरी 2020 को दावोस स्विट्जरलैंड में अपनी 85वीं वार्षिक बैठक के दौरान वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक जारी किया गया है, ठीक है। जब इसने अपनी 50वीं वार्षिक बैठक की है उसी के दौरान ये रिपोर्ट जारी की गई है। WEF द्वारा पहली बार इस सूचकांक को जारी किया गया है। वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक के तहत विश्व की 82 अर्थव्यवस्थाओं का समग्र आकलन सामाजिक गतिशीलता के निम्न पांच प्रमुख आयामों पर उनके प्रदर्शन के आधार बनाया गया, यानी कि इन पांच मुख्य आधार ध्यान रखते हुए इन पांच मुख्य तथ्यों को आपकी ये रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें क्या क्या शामिल है? स्वास्थ्य, शिक्षा, पहुंच, गुणवत्ता और समता, आजीवन सीखना और प्रौद्योगिकी, कार्य अवसर, मजदूरी, वातावरण, सुरक्षा और संस्थान, सामाजिक सुरक्षा और समावेशी संस्थान। इन पांच मेन जो आधार है इन पर आप लोग ध्यान से कोशिश करिए नजर डालने की। अगर आपको लगता है किसी समाज को, किसी राज्य को, किसी जिले को, किसी देश को अगर आपको पावरफुल बनाना है, विकास मतलब टॉप पर पहुंचाना है, इन पांच क्षेत्रों को आप लोग सही कर दीजिए। हर व्यक्ति को ये पांच पांच सुविधाएं दीजिए आप लोग, वो अपने आप पैरों पर खड़ा हो जाएगा और किसी के सामने उसे मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ रहे हैं? बेहतर स्थिति में पहुंच जाएगा।
लेकिन आप देखते हैं हमारे यहाँ स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, शिक्षा की स्थिति क्या है, इसे आप लोग बेहतर भी जानते हैं। सरकारी स्कूलों की हालत आप जानते हैं और हॉस्पिटलों की तो हालत आप और भी जानते हैं कि लोग घर में मर जाना पसंद करते हैं, लेकिन हॉस्पिटलों में जाना, सरकारी हॉस्पिटलों में इलाज करवाना पसंद नहीं है। इसलिए आप देखते हैं बच्चे घर में आसपास खेलते रहते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूलों की क्या हालत है आप जानते हैं। वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020 के तहत 82 देशों में सामाजिक गतिशीलता का सापेक्षिक अध्ययन कर उनकी रैंकिंग प्रदान की गई है। वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक में टॉप पांच देशों की बात करें तो डेनमार्क एक नंबर पर, नॉर्वे दूसरे, फिनलैंड तीसरे, स्वीडन चौथे, आइसलैंड पांचवे पर। इन सभी देशों को आप लोग देखिए, ये देश हमेशा टॉप पर रहता है, फिर चाहे कोई भी आपका सूचकांक आए, क्योंकि यहाँ की स्थिति आप समझ सकते हैं। स्वास्थ्य की स्थिति देख लीजिए, शिक्षा की स्थिति देख लीजिए, रोजगार की स्थिति देख लीजिए, हम लोगों जैसे वो स्थिति में नहीं रहते। यहाँ के लोग आपको खुश भी देखने को मिलेंगे, लोकतंत्र भी यहाँ बोलने की आजादी है, पूरी पूरी आजादी, समझ रहे हैं। तो इसलिए बेहतर स्थिति भी इनकी साफ दिखाई दे रही है आपके सामने है, इनकी स्थिति जो भी है। और वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक में अगर टॉप नीचे से टॉप की बात करें तो आइवरी कोस्ट को 82वां स्थान मिला है, सेनेगल को 81वां, कैमरून को 80 और पाकिस्तान को 79 और बांग्लादेश को 78। अगर आपसे पूछे टॉप की तो डेनमार्क है पहले नंबर पर, नीचे से अगर टॉप यानी कि अंतिम पूछे तो आइवरी कोस्ट है, ठीक है 82। वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक में अगर हम लोग ब्रिक्स देशों की बात करें तो आपका ब्राजील को 60वां स्थान मिला है, रूस की बात करें 39, भारत की स्थिति 76वें नंबर पर है। आप समझिए हम लोग कोई खास अच्छे नहीं है। और चीन 45वें नंबर पर है और दक्षिण अफ्रीका 77वें नंबर पर। ब्रिक्स देशों में देखेंगे हम लोग कि हमारी स्थिति दक्षिण अफ्रीका से एक पॉइंट ऊपर है हम लोग, वरना सबसे बुरी ही हमारी स्थिति है। भारत को स्कोर कितना मिला हुआ है, 42.7 स्कोर मिला हुआ है, 42.7 स्कोर मिला हुआ है। तो भारत की रैंकिंग आप याद रखिए, और किसकी याद रखना है, आगे बात करते हैं हम लोग। भारतीय भेषज संहिता को अफगानिस्तान की मान्यता, ये क्या है इसे भी देख लेते हैं। औषधीय उत्पादों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारतीय भेषज संहिता आयोग द्वारा विधायी एवं वैज्ञानिक मानकों को भारतीय भेषज संहिता के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक्स अधिनियम 1940 की द्वितीय अनुसूची के तहत भारतीय भेषज संहिता को भारत में बिक्री या फिर वितरण हेतु आयातित निर्मित औषधियों हेतु मानकों के आधिकारिक पुस्तक के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। अफगानिस्तान में दिसंबर 2019 में इस्लामी गणराज्य अफगानिस्तान के सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्रालय की राष्ट्रीय औषधि तथा स्वास्थ्य उत्पाद नियामक विभाग ने भारतीय भेषज संहिता को औपचारिक रूप से मान्यता प्रदान की है। इसके साथ ही अफगानिस्तान भारतीय भेषज संहिता को औपचारिक रूप से मान्यता प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। तो याद रखना पहला विश्व का देश कौन सा है, अफगानिस्तान। भारतीय भेषज संहिता आयोग स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार का एक स्वायत्त संस्थान है, ठीक है, किसका, स्वास्थ्य और परिवार का कल्याण मंत्रालय भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन है, संस्थान है। इसका मूल कार्य क्या है, नियमित रूप से इस क्षेत्र में प्रचलित रोगों के उपचार के लिए आवश्यक दवाओं के मानकों को अद्यतन करना। यह भारत की राष्ट्रीय फार्मूलरी को विकसित कर जेनेरिक दवाओं के तर्कसंगत उपयोग को बढ़ावा देता है। याद रहे कि भारतीय भेषज संहिता आयोग की एक स्वायत्त निकाय के रूप में 1 जनवरी 2009 से पूर्णतः परिचालित हुआ था, ठीक है, तो इसे भी याद रखें। ये भी आपने सुना होगा कि स्टैचू ऑफ यूनिटी एससीओ के 8वें आश्चर्यों में शामिल हुई है। हाल ही में आपने देखा है संघाई सहयोग संगठन ने भारत के गुजरात राज्य में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी को एससीओ के 8 आश्चर्यों में शामिल करने की घोषणा की है। भारत यात्रा पर आए एससीओ के महासचिव व्लादिमीर नोरोव ने इसकी सूचना विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को दी है। 182 मीटर ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी को भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में यानी कि याद में से बनाया गया है। आप जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे पहले गृह मंत्री भी थे और उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं, ठीक है, और उन्हीं की एक तरह से देन है कि आज हमारा पूरा भारत एक है, वरना समझ रहे थे कि
कितने हमारे यहाँ की रियासतें हुआ करती थी, अलग अलग भगने की बात कर रही थी, लेकिन उन्होंने एक डंडा उठाया। मतलब जो भी उनके एक दिमाग रहता है, देखिए राजनीति ऐसी नहीं होती है, कोई देश ऐसे नहीं चलता है, उसमें डंडा उठाने वाले भी, मतलब आप सोचिए गुंडागर्दी भी जरूरी होती है और ये हाथ जोड़ने वाले, तो इन्हों इनमें सभी क्वालिटी आपकी थी। 31 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल की 143वीं जयंती के अवसर पर इस स्मारक का अनावरण किया है। यह विश्व की सर्वाधिक ऊंची प्रतिमा है, याद रखिए विश्व की सर्वाधिक ऊंची प्रतिमा है और 182 मीटर ऊंची है, ठीक है, इसे भी याद रखिए। और जिसे गुजरात राज्य की नर्मदा जिले में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित साधु बेट द्वीप पर निर्मित किया गया। किस पर? साधु बेट द्वीप पर, इसे भी याद रखना। स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण निजी क्षेत्र की कंपनी लार्सन एंड ट्रोबो द्वारा किया गया है, इस कंपनी को याद रखिए। विख्यात मूर्तिकार राम बी सुतार ने स्टैचू ऑफ यूनिटी को डिजाइन किया है। एसटीओ के 8 अक्षरों में स्टैचू ऑफ यूनिटी को शामिल किए जाने से इसके अंतरराष्ट्रीय ख्याति में वृद्धि होगी और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इसमें आप अगर बात करें एसटीओ के 8 अक्षर निश्चित कौन कौन से हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत, ऑर्कियोलॉजी लॉजिकल लैंडस्केप ऑफ टैम गैली कजाकिस्तान में, डेमिंग इंपेरियल पैलेस कॉम्प्लेक्स चीन में, लेक लेक इसिक कुल किर्गिस्तान, ग्रेट मुगल हेरिटेज एट लाहौर पाकिस्तान, गोल्डन रिंग सिटीज रूस, नोरोज पैलेस तजाकिस्तान, पुई केलोन कॉम्प्लेक्स, ये आपको उज्बेकिस्तान में देखने को मिलेगा। तो याद रखिए इसके बारे में और भी जो महत्वपूर्ण स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हो उनके बारे में एक याद रखिए। मुझे तो लगता है इस तरह की जो भी स्थायी आंकड़े होते हैं उनके लिए एक शॉर्ट नोट्स बना लिया करिएगा, लिख लिया करिएगा उनके बारे में, ठीक है। बोने बोगेन बिले की स्वतंत्रता के लिए जन्म संग्रह हुआ है, बोगेन बिले वर्तमान में बोगेन विले पपुआ न्यूगिनी का एक स्वायत्त क्षेत्र राज्य है। बोगेन विले की खोज 1768 में, कब? 1768 में फ्रांसीसी खोजकर्ता लुईस एंटो इन डी बोगेन विले ने की थी, जिनके नाम पर ही ये परी इस क्षेत्र का नामकरण बोगेन विले कर दिया गया है। 1976 में पपुआ न्यूगिनी की सरकार तथा बोगेन विले की प्रतिनिधियों के मध्य हुई समझौते के तहत पपुआ न्यूगिनी के एक प्रांत के रूप में बोगेन विले को सीमित स्वायत्तता प्रदान की गई थी, ठीक है। 23 नवंबर से 7 दिसंबर 2019 के मध्य बोगेन विले में जन्म संग्रह कराया गया। यह जन्म संग्रह बोगेन विले को पूर्ण स्वतंत्रता या फिर पपुआ न्यूगिनी के अंतर्गत अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के संदर्भ में कराया गया है। 11 दिसंबर 2019 को बोगेन विले जन्म संग्रह आयोग द्वारा जन्म संग्रह के परिणाम घोषित किए गए। परिणाम के अनुसार कुल 1,81,067 मत डाले गए, जिसमें से 1,76,928 यानी कि 97.7% नागरिकों ने पूर्ण स्वतंत्रता का विकल्प चुना है, यानी कि आजादी का, जबकि 3,043 लोगों ने अधिक स्वायत्तता के पक्ष में मतदान किया है। हालांकि यह जन्म संग्रह गैर बाध्यकारी है, यानी कि कोई बाध्यकारी नहीं है कि अलग किया जाए। पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करने के संदर्भ में अंतिम निर्णय पपुआ न्यूगिनी की राष्ट्रीय संसद में मतदान द्वारा लिया जाएगा, जो पपुआ न्यूगिनी सरकार और स्वायत्त बोगेन विले सरकार के बीच बातचीत के बाद होगा। तो चलिए इसमें हम लोगों ने देख चुके हैं अभी तक आपके बोगेन विले की स्वतंत्रता के लिए जन्म संग्रह। आगे हम बात करेंगे वैश्विक राजनयिक सूचकांक 2019 के बारे में।